वैसे से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, तो आज हमें आज स्कूटी यहाँ पे मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये स्कूटी प्रोवाइड की है। इससे मतलब सिर्फ मतलब इससे हमें ना कि मतलब चलने फिरने में आसाइश होगी, बल्कि हमारे लिए नए रोज़गार के वसाइल भी पैदा होंगे सर। और नफर से बहुत मुश्किल आता है सर, आज अभी डिपार्टमेंट ने स्कूटी खराब की है। इससे पहले बहुत मुश्किल आता है, मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी जब हम कहीं जा रहे थे, हमारे बहुत मुश्किल हो रहे थे और इसलिए हमने ये फॉर्म भरा था। गवर्नमेंट ने स्कूटी अलाउड की थी और बस जब भी हम डॉक्टर के पास जाना था, को किसी और जगह जाना था, हमको गाड़ी ढूंढनी थी। 2019 तक इस डिपार्टमेंट ने टोटल 1600 कुछ स्कूटियाँ दी हैं, मगर आज पहली दफ़ा, इस साल पहली दफ़ा हमने 2800 से प्लस यानी अप्रॉक्सीमेटली 3000 जो रेट्रोफिटेड ये मोटराइज ट्राइसाइकिल है ये तकसीम किए हैं पूरे J&K में। सो ये जो स्कीम है, हम कोशिश कर रहे हैं सोशल वेलफेयर में भी, और जो हमारी आज की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी सीरियस है, खासकर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो उनकी एम्पावरमेंट हो, उनका एजुकेशन हो, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी हो, या जैसे ये है हमारी काफ़ी और स्कीम्स है जैसे सिद्धा है, एडिप है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं एक माहौल सा बने कि जो डिसेबल फ्रेंडली बने, और वही जो माहौल है जो वो राइट्स बेस्ड रिजीम जो आज हम एक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं RPWD, उस सारे माहौल को देखते हुए ये भी उसी एक उस माहौल के। ना ؤنی نا یمنا کی ہینڈل ونیے ای پکے وا سکوٹی